हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज है सोमवार 3 जुलाई, तो ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। आज मैं फुल डे आप सबसे शेयर करूँगी, लंच थाली, डिनर थाली, सोमवार के भोग थाली शेयर करूँगी और साथ साथ में अपना मॉर्निंग का पूजा रूटीन और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी भोग थाली में जो आपके काम आएंगे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के ब्लॉग, अपनी डेली लाइफस्टाइल और अपने डेली ब्लॉग, डेली रूटीन और भी बहुत सारे मज़ेदार से टिप्स एंड ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। फिलहाल सुबह का टाइम है और मैं नहा ली हूँ घर के सारे काम करके। हस्बैंड ध्रुव दोनों सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। तो जो कपड़े धुल गए थे उनको मैं निकाल के रख देती हूँ और फिर मैंने कर लिया यहाँ पे, भोलेनाथ जी को स्नान भी करा दिया है और उनका अभिषेक भी कर दिया है। तो गंगा जल से ही मैं स्नान करा लेती हूँ। और सोमवार की व्रत पूजा विधि मैंने काफ़ी बार अपने ब्लॉग में शेयर की है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ शेयर नहीं करती। उसके बाद जी कपड़े अभी मैं आ गई हूँ छत पे डालने के लिए, क्योंकि मौसम ना इतना तेज़ धूप भी नहीं हो रही है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि हवा निकल जाएगी। वैसे तो मैं ड्रायल कर देती हूँ कपड़े, लेकिन अगर मैं पंखे की हवा में सुखाती हूँ तो थोड़ी बहुत सीलन की तो आती है। और ये मिल रही हूँ मैं अभी आपको 12 बजे समथिंग, दोपहर के 12 बज रहे थे। तो देखिए मैं अपने लिए एक मैंगो काट रही थी तो ये मैंगो निकला ख़राब। फिर मैंने ले लिया ये खीरा और मेरे पास एक ही मैंगो रखा हुआ था, तो हस्बैंड ने तो कहा था कि कोई फ्रूट्स ला दूँ, तो मैंने कहा एक मैंगो रखा हुआ है मैं वही खा लूँगी, लेकिन जैसे ही ये काटा तो ये ख़राब निकला। फिर मैंने खीरा ही खा के काम चला लिया। और चाय वगैरह मैंने आज नहीं पी थी, क्योंकि सोमवार को कभी कभी मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, मन नहीं होता है तो नहीं पीती हूँ और मन होता है तो पी लेती हूँ। और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ आप सबके साथ, यहाँ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसा होता ही होगा कि घर वाले कहते होंगे कि सब्ज़ी में तेल कम डाला करो। तो ये जो चीज़ है ना, हर हाउसवाइफ को फेस करनी पड़ती है। और आज इस टिप को देखने के बाद आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि आपको सब्ज़ी में तेल कम डालना चाहिए था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तेल ज़्यादा हो जाता है और वो सब्ज़ी से एक्स्ट्रा दिखाई देता है। तो यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाला है, तो उसको मैं किस तरह से निकालूँगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले दूसरा ये टिप्स है कि जब भी आप किसी सब्ज़ी में मसाले ऐड करें तो ज़्यादातर मसालों को भिगो के रखें, लगभग 10 से 5 मिनट। इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और सब्ज़ी में डालते टाइम पे ये मसाले आपके बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट पे ये कुक हो जाएंगे। धीमी धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे भी आप इसे डालोगे, कभी जैसे गलती से डल ही जाता है और मसाले हमारे ज़्यादातर काले हो जाते हैं जो सूखे मसाले हम ऐड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छी सी प्रिपरेशन के साथ जितने भी मसाले हैं उनको पहले ही भिगा के रख लीजिए कटोरी में। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ही। और पहले मैंने हल्का सा आलू को फ्राई किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आलू का, पूड़ी वाले जो आलू बनते हैं। उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है और अब डालूँगी मैं इसमें हल्का गुनगुना पानी। ऑयल आप देख सकते हैं मैंने जानबूझ के ज़्यादा ऑयल डाला है ताकि मैं आप सबके साथ ये टिप्स शेयर कर सकूँ और आपको बहुत बहुत काम आएगी अपनी किचन में। तो देख सकते हैं, तो फिलहाल अभी सब्ज़ी को ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तब तक मैं यहाँ जो आमी रखी हुई है उनको भी काट लूँगी। तो ये आमी हल्की हल्की पक गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से रेसिपी बनाऊँगी। तो गुड़ वाली आमी तो सभी को पसंद होती हैं, लेकिन गुड़ वाली आमी मैं नहीं बनाऊँगी बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं रख दूँगी फ्रिज में बना के और आज सिर्फ भोग लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। फिर क्या रहेगा कि वो सारी गर्मियाँ रखी रहेंगे फ्रिज में और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको खा लेते हैं पराठे के साथ, पूड़ी के साथ। तो बस यहाँ तीनों आमियों को मैं छील के और कट कर लूँगी अच्छे से।
और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें किचन में एक बहुत ही स्मार्टनेस बना देती हैं, बहुत ही अच्छा रहता है इन छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना। तो मैं ज़्यादातर अपने ब्लॉग में आप सभी के लिए जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए लेके आऊँ जो आपके काम आए। उसके बाद जी देख लेते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है। देख सकते हैं सारा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था इसका ऊपर आ गया है। और अब आपको ले लेनी है पतली धार वाली कोई भी कलछी चमचा जिसे आप बोलते हैं, और इस तरह से आपको ऊपर ऊपर से इस ऑयल को निकाल लेना है। देख सकते हैं आप मैं कितने आराम से इसे निकाल पा रही हूँ। सारा ऑयल बिल्कुल हल्के हाथों से मैं निकाल लूँगी और ज़्यादा नहीं निकालूँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही निकालूँगी। आप चाहो तो बिल्कुल ज़रा ज़रा सा भी इसको निकाल सकते हो, एक भी ऑयल का जो कण है वो नहीं छूटेगा सब्ज़ी के अंदर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और जो एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाला है उसे मैं खिचड़ी के तड़के में पराठे में बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। हाँ, उसे ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, आपको जल्दी ही उसे यूज़ करना है। अब बनाऊंगी मैं यहाँ पे आमी की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है इसमें थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डाली है हींग। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ये लंबी लंबी हरी मिर्च जिससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अगर आप चटपटी आमी की सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी ये हरी मिर्च जो होती हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आमी को फ्राई करूँगी यहाँ पे, और ये थोड़ी थोड़ी पक गई है और ये बम्बई आमी है। आपने देखा होगा जब मैं आप छील रही थी तो ये बम्बई की आमी हमारे यहाँ पर इसको बोला जाता है, बम्बई अमिया। और उसके बाद जो मसाले हैं वो भी देखिए मैंने भिगा के ही डाले हैं, सूखे मसाले नहीं डाले हैं। मसालों को मैंने पहले 10 मिनट इसमें पकाया है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है क्योंकि ज़्यादा मीठी जो है वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं खा पाते हैं। और थोड़ा सा डालूंगी पानी, तो गाढ़ी गाढ़ी ही बनाऊंगी थिक सी ग्रेवी वाली, बहुत ही बढ़िया लगती है पूरी के साथ पराठे के साथ। तो चलिए इसको भी 10 मिनट पका लेते हैं। और ये देखिए आमी ने पूरी तरह से कलर चेंज कर दिया है। तो इसमें मैंने वही अपने बेसिक मसाले डाले हैं, सौंफ, धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, यही सारी चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा मैंने कुक कर लिया है और बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब बनाऊंगी मैं फूली फूली पूरियां। पूरियों को लेके भी मैंने कई बार आप सबको टिप्स दिए हैं और आपको काम भी बहुत सारे आते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताते हो, तो सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू। और यहाँ मैं सबसे पहले बनाती हूँ भोग के लिए 4 पूरियाँ। एक बनाऊँगी गौ माता के लिए और एक बनाऊँगी अपनी चूल्हे माता के लिए, अन्नपूर्णा जिसे कहा जाता है। और 2 पूरियाँ मैं मंदिर में भोग लगाती हूँ सभी देवी देवताओं को जितने भी विराजमान हैं मंदिर में। और यहाँ मैं पूरी बना रही हूँ, तो आज जो है पूरी का आटा वो थोड़ा सा ढीला सा गुदा है, तो इसीलिए आज पूरी देखिए प्रॉपर नहीं फूल पा रही है। और यही वो वजह होती है कि हमारी पूरियाँ नहीं फूलती हैं, हाथों में जुगाड़, हाथों कहते हैं ना कि इसके हाथ में कोई कमी है कि पूरी नहीं फूल रही है। बचपन में हम अक्सर सुनते थे अपनी मम्मी से दादी से कि तुम्हारे हाथों में कोई कमी है कि पूरी नहीं फूल रही है, तो कमी हमारे हाथों में नहीं हमारे आटे के डो में होती है। अगर आप आटे के डो को नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे तो आपकी पूरी ऑटोमेटिक फूलेगी 100%। तो आज पतला आटा होने की वजह से पूरियां उतने अच्छे से नहीं फूल पाई हैं, लेकिन बाद में जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी वो पूरियां बहुत अच्छी फूली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं अभी नहा के आ गई हूँ, काम सारा हो चुका है मेरा, तो गर्मी से तो बस हद है। और बारिश, अभी सुबह भी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे और अब ऐसा लग रहा है कि मानो कितने दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी का तो कह नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। भोलेनाथ जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद थाली हम लोग आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल चलिए मैं भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को और फिर थाली आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप सोमवार का व्रत किस मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हो, पहले भी बहुत सारी बहनों ने पूछा था और अभी फिर पूछती हैं। तो मैं सोमवार का व्रत किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं करती हूँ, महादेव से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा शादी के बाद और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ, इसीलिए मैं उनका व्रत शुरू से करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है।
और देखिए व्रत पूजा पाठ किसी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं नहीं करती, मैं बस अपने परिवार में सुख शांति, आप सबका प्यार सपोर्ट और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे इसी के लिए मैं हमेशा करती हूँ। और रही बात भगवान की पूजा पाठ, तो देखिए हर इंसान को करनी चाहिए, ये तो ज़रूरी होता है हमें अपने जीवन यापन के लिए। फिलहाल यहाँ थाली बनकर तैयार थी और आज हस्बैंड हमेशा की तरह इतना लेट आए थे कि आज तो हद हो गई थी। टाइम लगभग रात के 11 बज रहे थे और 11 बजे इन्होंने डिनर किया था और मैंने तो कर लिया था लगभग 7 से 8 बजे के बीच में। तो ये रही आज की हमारी सोमवार व्रत की भोग थाली। और पहली बात तो ये कि आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार सपोर्ट आपने चैनल पर दिखाया पिछले 2 वीक में। और दूसरी बात ये कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ गलत निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं लेकिन मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ अच्छे लोग बुरे लोग दोनों तरह के मिलते हैं, तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे ही मुझे कमेंट कर रहा है। सो सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनका भी थैंक यू, जो नहीं देखते हैं उनका भी थैंक यू, और जो चैनल पर आते हैं पर लाइक नहीं कर पाते हैं तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और इसी तरह से हमेशा मेरे साथ रहना, बहुत कुछ आप सबसे शेयर करना है। फिलहाल चलिए इस वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आप सभी से कल के एक और नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।